सज्जनों, और हमारे सामने आज तीन मेहमान थे। ये हमारे सामने यशुन बाबू और ये रितेश बाबू, और ये आज हमारे मेहमान थे हिमांशु जी, जिनका इन्होंने फोन ऑफ फ्रेंड है आज के, और मैं हूँ शेषराज, और हमारा हजार पति। तो नमस्कार। देखिए, हम पहले इसके रूल बता देते हैं गेम के। इसमें टोटल जो क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो होगी 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न में आपको एक लाइफ लाइन भी है। लाइफ लाइन मतलब है, अगर आपको किसी प्रश्न में आपको अगर डाउट है, आपको नहीं आता है, तो आप फोन करके अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। आइए पहले हम परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों का। सबसे पहले हमारे सामने बैठे हैं यशवंत जी, यशवंत भैया बैठे हैं, ये बैठे हैं हमारे सामने रितेश भैया, ओके, और ये हमारे सामने साथ में बैठे हैं फोन ऑफ फ्रेंड, आप इसको स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं, हिमांशु जी। ये आपकी मदद करेंगे, आप कोई भी अगर आपके कोई संशय हो कोई भी प्रश्न में, आप फोन करके इनको पूछ सकते हैं, ये आपके लिए एक ही रहेगा। ओके, आप शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के लिए, और आप मेरे को बता दीजिए आप इसे कौन जो है फाइनल आंसर कौन देगा, आप डिसाइड की बता दीजिए। पहले आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं आंसर के दौरान, फिर फाइनल आंसर मेरे को कौन बताएगा बता दीजिए, ये बताएगा। तो हमें फाइनल आंसर जो है ये भैया बताएंगे, रितेश भैया। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्विज, जिसका नाम है कौन बनेगा हजारपति, कौन बनेगा हीरो, आप जो भी इसको नाम देना चाहें। ओके, पहला प्रश्न और लीजिए। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, जूतों की मरम्मत का काम कौन करता है, जूतों की मरम्मत का काम कौन करता है। आपके सामने चार ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहे। पहला है बढ़ई, दूसरा है लोहार, तीसरा है मोची, और चौथा है नाई। तो जूतों की मरम्मत का कार्य कौन करता है, मोची। ऑप्शन डी। तो क्या लॉक कर दिया जाए आपका आंसर? ओके ओके ओके, तो ऑप्शन सी आपका लॉक कर दिया जाए। ओके, कंप्यूटर महाशय, इनका ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। ओह, बिल्कुल सही जवाब आपका। आप चुके हैं, आप जीत चुके हैं 10 रुपए। आप 10 रुपए पहले क्वेश्चन के लिए जीत चुके हैं, तो मैं मुझे ओके। तो पहला प्रश्न था कि जूतों की मरम्मत का काम कौन करता है, तो वो आपका मोची कोबलर, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आप जीत चुके हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा बीच में हम पूछते हुए रहेंगे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ में। तो ये फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं, और ये जो स्पेशलिस्ट बने हैं फोन ऑफ फ्रेंड, ये सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में पढ़ते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेट, रैकेट एंड शटल कॉक, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है टेनिस। आप सोच समझ के हमें बता सकते हैं? बैडमिंटन। तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। ओके, कंप्यूटर वहां से ऑप्शन ए बैडमिंटन लॉक कर दिया जाए। ओहो, बिल्कुल सही जवाब आपका, आप जीत चुके हैं 20 रुपए। बहुत ही उम्दा तरीके से खेल रहे हैं दोनों बच्चे। दोनों प्रश्नों की इन्होंने सही जवाब देकर के 20 रुपए इन्होंने नगद जीत लिए हैं। आप तीसरा, तो दूसरा प्रश्न था हमारा कि नेट है और रैकेट है, शटल को कहे, कौन से खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल, हम बैडमिंटन जब खेलते हैं तो उससे संबंधित ये जो चीजें हैं, सामग्री हैं, ये है, ओके, ये जो इक्विपमेंट है। तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीसरा प्रश्न है, ऑस्कर जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी खेल जगत में, ऑप्शन सी सिनेमा जगत में, और ऑप्शन डी किसानों को दिया जाता है। तो जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, खेल, सिनेमा या फिर किसान? आप बता सकते हैं, डिस्कस करते हैं, और अगर आपको नहीं आता हो तो आप फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं। सिनेमा। ओके, कंप्यूटर वहां से इनका ऑप्शन सी सिनेमा लॉक कर दिया जाए। पहला ऑप्शन था पत्रकारिता, दूसरा खेल, तीसरा सिनेमा, चौथा किसान। आपको कैसे पता चला कि इसमें सिनेमा आएगा? ऑस्कर अवार्ड आपने कभी टीवी में देखा है? ऑस्कर का जो चल रहा है, शो चल रहा है ऑस्कर का, ऑस्कर पुरस्कार दे रहे हैं, देखा आपने?
तो आपने बताया सिनेमा, तो अगर आप पत्रकारिता बताते तो मेरे हिसाब से आपका जवाब जो है बिल्कुल गलत हो जाता। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप जीत चुके हैं 50 रुपए। ले लीजिए 50 रुपए। ओके, तो तीसरा प्रश्न था ओस्कर अवार्ड जो है वो सिनेमा में यानी फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप दोनों खेल रहे हैं। ओके, चौथा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, कंपास की सुई कौन सी दिशा में होती है? कंपास होता है, उसकी सुई कौन सी दिशा में होती है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपको बताना है जो कंपास होता है उसकी सुई हमेशा कौन सी दिशा में होती है? उत्तर, उत्तर दिशा में होती है। देखा आपने कंपास, तो उसी दिशा ज्ञान होता है कंपास। देखा आपने, तो कंप्यूटर वहां से ऑप्शन सी उत्तर को लॉक कर दिया जाए। ओ हो, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 100 रुपए। ले लीजिए आपके 100 रुपए। बहुत बढ़िया। तो कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा में होती है, जो दिशा ज्ञान करवाती है हमें। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न ले रहे हैं हम अपने अपने जो मेहमान हैं उनके लिए पांचवा प्रश्न ले रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बीच में, आपको जो ये अगर आप 10 प्रश्न सही बता देते हैं तो आपको लगभग 4000 रुपीज आपको मिलने वाले हैं दोनों को। तो दोनों आप क्या करने वाले हैं उन पैसों का, जरा हमें बता सकते हैं प्लीज? 4000 रुपये आपको मिलने वाले हैं अगर आप 10 प्रश्न सही बताते हैं, तो आप क्या करेंगे उन पैसों का? आपस में बांटेंगे या फिर कुछ सामान ऐसा ले लेंगे जो दोनों यूज करेंगे? सामान लेंगे। क्या सामान लेंगे? कोई साइकिल वगैरह लेंगे या फिर कुछ खेलने का सामान लेंगे? क्या लेंगे? खेलने का सामान। अच्छा, तो ये खेलने का सामान लेने वाले हैं दोनों बच्चे जो मिल करके फिर खेल लेंगे 4000 रुपए में, कोई भी खेलने का सामान ये लेने वाले हैं बच्चे। बहुत ही बढ़िया। ओके, अब पांचवा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका वाक्य है, किसने कहा था ये सेंटेंस, किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। ओके, मान लिया जाए आपका आंसर? ओ, तो कंप्यूटर महाशय इनका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के लिए लॉक कर दिया जाए। ओ, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जरूर दिया था, ठीक है, लेकिन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा आपने इसके लिए भी सुभाष चंद्र बोस को चुना है। और अगर आपने इसको चुना है तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही चुना आपने। और ये हो गए आपके 200 रुपए आपके लिए, बिल्कुल सही जवाब आपका। और 5 प्रश्नों के उन्होंने बहुत ही उमदा तरीके से जवाब दिए हैं, 5ों इनके आंसर सही है, कोई लाइफलाइन नहीं है और बिल्कुल आराम से डिस्कस करके ये जो है अपने आंसरों का जवाब, अपने क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल अच्छे से दे रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक ठाक है क्वेश्चन आपके? हाँ, ठीक ठाक है। ओके, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने इनको जो है लगभग 100 क्वेश्चन इनको दिए थे और बोला गया था इनको कि आपको इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए इन्होंने क्या तैयारी की है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए, ओके, छठा क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, छठा प्रश्न, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? जो ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने सालों के उपरांत होते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए 2 साल के बाद, ऑप्शन बी 4 साल के बाद, ऑप्शन सी 3 साल के बाद, ऑप्शन डी 6 साल के बाद। आप बता सकते हैं कि ओलंपिक जो खेल होते हैं वो कितने साल के बाद में होते हैं? 4 साल के बाद में। ओके, 4 साल के बाद में, कंप्यूटर वहां से लॉक कर दिया जाए। ओ, बिल्कुल सही जवाब आपका, ये आप जीत चुके हैं 500 रुपए। ओके, 500 रुपए जीत चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, सोच समझ के दोनों आपस में डिस्कस करके बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और 5 प्रश्न जो है 5ों के इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए, 6 हो गए। तो 6 प्रश्नों के इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं बच्चे, जोरदार ताली इन बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं।
कोई लाइफ गाइड नहीं ली इन्होंने, बिल्कुल आराम से डिस्कस करके बच्चे मतलब तैयारी भी की है, तैयारी की इन्होंने। ओके क्वेश्चन नंबर 7 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कौन से स्टेट से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक भी सवाल गलत हुआ तो आप जीरो पे आ जाएंगे, जितने भी आपने पैसे जीते हैं आप शून्य पे आ जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगे कि ये हमें 100% हमारा क्लियर नहीं है तो आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ आपके सामने बैठे हैं हिमांशु जी, ये आपकी मदद करेंगे। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे, अच्छा तो आप फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके तो कर सकते हैं आप फोन ऑफ फ्रेंड। तो हिमांशु जी हमारे सामने आपके जो भाई हैं वो बैठे हैं, यशवंत और रितेश, और वो आपसे कुछ हेल्प चाहते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कौन से स्टेट से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य कौन से स्टेट से संबंधित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है केरला। तो आप उनको बता सकते हैं, लीजिए मैं फोन उनको दे रहा हूँ और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपके दोस्त ने बताया आंध्र प्रदेश, तो आप अपने दोस्त के साथ में जाना चाहेंगे या फिर अपने दिमाग से इसका आंसर देना चाहेंगे? आंध्र प्रदेश कर दे। ओके कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को लॉक कर दिया जाए। ओ काश आप अपने फोन ऑफ फ्रेंड पे भरोसा ना करते और अपने आप डिस्कस करके इसका आंसर दे पाते, तो मुझे लगता है इशू आपको जो है यहाँ पे ही इसको थोड़ा सा बिना रोके कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आप जीत चुके हैं 500 रुपए, फिर से जीत चुके हैं आप, बहुत ही उम्दा जवाब आपका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट से संबंधित है। ओके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे चलते हैं। तो अपने जो भाई भाई हैं बड़े भैया उनको आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? जी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपके भैया का। ओके अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ओके अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, एक सहस्त्राब्दी यानी 1 मिलेनियम, एक सहस्त्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1000। एक सहस्त्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं आप हमें डिस्कस करके बता सकते हैं? 1 मिलेनियम में कितने इयर्स होते हैं? हाउ मेनी इयर्स आर देयर इन 1 मिलेनियम? 1000। या 1000 कंप्यूटर महाशय इनका आंसर ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए। ओके सो 100 अगर आप बोलते तो वो होता शताब्दी, लेकिन आपने 1000 बोला है तो सहस्त्राब्दी हो गया है, और ये आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आप फिर जीत चुके हैं 500 रुपए, ये लीजिए आपके 500। ओके तो इस प्रकार से बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, 8% 2 कदम दूर अपने लक्ष्य से, 2 कदम दूर ओनली। बहुत ही सही जवाब था, एक सहस्त्राब्दी जो है 1 मिलेनियम जो है उसमें 1000 वर्ष होते हैं। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं दोनों बच्चे, ये हैं रितेश जी हमारे सामने बैठे हैं, ये हैं यशवंत जी, और ये थे हमारे फोन ऑफ फ्रेंड आज के, जिन्होंने एक मौका मिला और उन्होंने एक अपने मौके को बखूबी निभाया। तो बहुत ही जाते हैं आपके लिए। ओके अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, तो जल्लीकट्टू जो जो एक खेल होता है जिसमें सांडों के साथ में लड़ाई की जाती है, वो कौन से फेस्टिवल से संबंधित है? ऑप्शन ए ओणम, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी थिरुवेरु और ऑप्शन डी थाईपूसम। बता सकते हैं आप? ओणम। तो आप बता दीजिए फाइनल, आपके पास में एक लाइफ लाइन हो रहा है, आप 50-50 भी कर सकते हैं,
50-50 में क्या होगा, हम दो आंसर आपको बताएंगे, उनमें से एक होगा। आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, रिस्क नहीं लेना आपको, अगर रिस्क लेंगे तो आप जीरो में जा सकते हैं फिर से। दो मैं आपको दो बताता हूँ, आपको उनमें से एक बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा, तो पहला है ओणम, दूसरा है पोंगल, इनमें से कोई एक आंसर होगा, आप बता सकते हैं कोई सा भी आंसर। पोंगल। तो कंप्यूटर वहां से ऑप्शन बी पोंगल लॉक कर दिया जाए। ओ आप पहले ओणम बता रहे थे, बाद में पोंगल बता रहे थे, क्या आपने सोच करके बताया? पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, जहाँ पे पोंगलो पोंगल बोला जाता है, मट्टे पोंगल बोला जाता है, जो तीन दिनों तक का उत्सव होता है, जो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के आसपास। तो अभी मुझे लगता है अगर आप ये प्रश्न हार गए तो आप फिर से जीरो पे आ जाएंगे। अभी आपने जीत चुके हैं, आप कई सारे पैसे जीत चुके हैं, आपके खेलने का सामान आ जाता है, लेकिन आपने ये जो डिसीजन लेकर के, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा किया, और आप जीत चुके हैं 500 रुपए फिर से। ये लीजिए, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं दोनों बच्चे, और ये 9 प्रश्न बिल्कुल सही जवाब दे चुके हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न था कि जल्लीकट्टू जो खेल है वो किस फेस्टिवल से संबंधित है, तो बिल्कुल सही जवाब था आपका पोंगल, तमिलनाडु में। ओके 10वां प्रश्न लीजिए, 10वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है आगरा या फिर ताजमहल, कोई सा भी आप समझ सकते हैं। आगरा कौन सी नदी पे बसा हुआ है, या फिर ताजमहल कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो प्रश्न है आगरा कौन सी नदी पे बसा है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी यमुना। तो ये आपके 4 ऑप्शन है कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिएगा, आप 1 मिनट ज्यादा ले सकते हैं, सोच के आप बताइए मुझे। पहले सोच लीजिए आराम से, गंगा, कावेरी, सतलज या फिर यमुना नदी। डिस्कस करके बता सकते हैं आप आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आगरा, जहाँ पे ताजमहल है जो शाहजहां ने बनाया था, बहुत ही फेमस है, और संगमरमर से बना हुआ है, अपनी रानी मुमताज के याद में उन्होंने बनाया था ताजमहल, और उसी नदी पे वो बसा हुआ है, उसी नदी पे बना हुआ है ताजमहल। आपने देखा कभी ताजमहल? फोटो में देखा या फिर रियल में जाके? रियल में जाके देखा आपने ताजमहल? ओके, यूपी में जाके देखा आपने ताजमहल? आपने भी देखा है? तो ताजमहल आपने देखा है, तो फिर तो मुझे लगता है आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। तो बता दीजिए आपका अंतिम सवाल, अंतिम जवाब क्या हुआ? बताइए महाराज, किस नदी पे लॉक कर दिया जाए? लास्ट आंसर है, अगर आपका गलत हुआ तो आप फिर से जीरो पे चले जाएंगे। बता दीजिए अपना आंसर, यमुना लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर वहां से हम ऑप्शन डी यमुना लॉक कर दिया जाए। अच्छा जी, फोनो फ्रेंड आप क्या बताना चाहेंगे, क्या इनका आंसर सही होगा? हो सकता है, आपको भी कंफर्म नहीं है? कंफर्म है, सही जवाब यमुना। ओके कंप्यूटर वहां से ऑप्शन डी यमुना लॉक कर दिया जाए। इन्होंने बताया है, बड़ी कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि यही हो सकता है। हाँ जी यमुना बता रहे हैं जी, यस ओके। तो मुझे लगता है 10 प्रश्न आपने बहुत ही बखूबी खेले हैं, लेकिन 9 प्रश्न आपने बहुत ही बखूबी खेले थे, लेकिन 10वें प्रश्न में आप थोड़े से अटक गए थे, और आपको लग रहा था कि यमुना हो सकता है या फिर गंगा हो सकता है, कुछ आप सोच रहे थे। और जब हम कंफर्म नहीं रहते हैं तो हमें जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना चाहिए, लेकिन आपने बता दी यमुना। तो मुझे लगता है आपको ये गेम यहीं पे क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 10 प्रश्न जो है खेल चुके हैं, और आपको ये गेम यहीं क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट जो है ये लास्ट जो क्वेश्चन था इसका जवाब आपने जो है आप बिल्कुल कंफर्म नहीं थे, आप डाउट में थे, इसलिए लास्ट जो प्रश्न था यमुना, आपको हमें ये गेम यहीं क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 प्रश्नों के जो जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, आप जीत चुके हैं लगभग 4,000 रुपए, 4,380 रुपए, 4,380 रुपीज आप जीत चुके हैं। बहुत ही बधाई आपको, बहुत ही बधाई आपको। एक प्रश्न हमारे सामने हो रहे हैं, वो अगर आप जवाब देना चाहें तो वो ऐसे ही है, उसके लिए आपको कोई इनाम राशि नहीं दी जाएगी, हम जस्ट चेक कर रहे हैं। अस्तबल में कौन रहता है, क्वेश्चन ये हम ऐसे पूछ रहे हैं, अस्तबल में कौन रहता है इनमें से? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बकरी। अस्तबल में कौन रहता है,
इनमें से कौन से जानवर को रखने वाला जो स्थान है उसको अस्त बल स्टेबल कहा जाता है? बता घोड़ा। घोड़ा जी माँ से आप क्या बताना चाहेंगे? घोड़ा ही होगा। तो बिल्कुल सही जवाब, ये भी आपका घोड़ा ही रहता है अस्त बल में, घोड़ों को रखने की जगह अस्त बल कहा जाता है। नमस्कार देवी और सज्जनों, और हमारे सामने आज तीन मेहमान थे, ये हमारे सामने यशवंत बाबू और ये रितेश बाबू, और ये आज हमारे मेहमान थे हिमांशु जी, जिनका इन्होंने फोन ऑफ फ्रेंड है आज के, और मैं हूँ शिष्टा जी और हमारा पति। तो नमस्कार, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा दीजिए।